तो आज हम खेलने वाले हैं एक ऐसा गेम जिसको मेरे को खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और मेरी साइबर कैफे वाली आंटी बोलती थी कि भाई अभी तू घर चले जा क्योंकि मम्मी बुला रही है, रात के 9:30 बज गए, मेरे को दुकान विकान भी बंद करना है। इस गेम का नाम है क्लॉ, और ये गेम शायद बहुत ही कम लोगों ने खेला होगा, लेकिन मैंने तो खेला था। मैं वो लकी इंसानों में से एक हूँ। ये गेम देखिए काफ़ी सही गेम है, और इस गेम का सिंपल सा रूल है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है आपको, अलग अलग लेवल पार करनी है। बीच में जो भी आपको सिक्के विक्के और कॉइन्स और जो भी खजाना मिले आपको वो लूटते जाना है और लोगों को मारते जाना है। बक्से बिक्से फोड़ने हैं आपके पास होता है, इसमें बंदूक बिंदूक और कुछ बॉम्ब्स बिम्स भी होते हैं, और बस लेवल्स को पार करनी होती है। इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इसका साउंड डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ये देखिए आपको इसके नीचे जो दिख रहा है वो पूरा पिघलता हुआ क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ तो था उसके अंदर में गिर गया, पिघलता हुआ टार था शायद उसके अंदर में गिर गया। ये देखिए अलग अलग साइड से तोफ भी आते हैं, ये छोटे छोटे बचकाने लोग भी तोफ चलाना सीख गए इस गेम के अंदर, और बहुत सारे या फिर 3-4 अलग अलग मास्टर्स होते थे। एक लेवल कंप्लीट होने के बाद उसका जो मेन मास्टर होता था उसे हमें डिफीट करना पड़ता था, और उस मास्टर को डिफीट करने के बाद हो जाती थी लेवल चेंज। इस माइक में से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। और ये है दूसरी लेवल, ये लेवल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि इसका ऑडियो अच्छा था और इसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे थे उस समय के लिए, और अभी भी अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। और दिखने में बहुत हरियाली हरियाली थी इस लेवल में, मतलब जितनी हरियाली ऊपर थी उससे ज़्यादा अंधेरा इस लेवल के नीचे था। तो ये गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ये जो झंडे दिख रहे हैं आपको बीच बीच में ब्लैक कलर के, वो सारे चेक पॉइंट्स हैं। अगर आप बीच में कहीं मर जाते हो या आपको कुछ हो जाता है तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप वहाँ से रीबर्थ लोगे। देखिए ये कॉइन लेने के चक्कर में भाई मैं ऊपर नीचे करते रहता था, ये काफ़ी डरावना लगता था। लेकिन नीचे देखिए ना कितने मस्त लकड़े दिख रहे हैं, मतलब कि अगर साला कोई गिर गया तो भाई उसको तो डायरेक्ट फोड़ ही देने का, उधर से निकलने का कोई तरीका नहीं होता था। आप अगर आप उधर से चल दिए तो बस चल दिए। ये एक मैप था जिसमें कुछ 5-10 पीसेस थे, उसको आपको सॉल्व करते जाना है। मैं जब इस गेम को खेलता था तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मतलब मैं कम से कम 2-3 घंटे कंटिन्यूसली ये गेम खेलते बैठता था और इतना मज़ा आता था। और ये देखिए हरा हुआ हरा 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 भरा कुछ तो दलदल है, इसके अंदर अगर गिर जाएंगे तो वैसे ही होगा जैसे वो डांबर या टार के अंदर गिरने के बाद हो रहा था, बट लकीली इधर से बाहर निकल गए। ये दूसरा कैथरीन नाम की एक लड़की है जो बिल्ली है, उसको मारना है हराना है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल वाला जो पार्ट होता था वो होता था किसी लास्ट में आने वाला एक बंदा था भाई, उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उसका भी एक सीक्रेट ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। और हर लेवल के बीच में एक छोटी सी कहानी होती थी। और ये लेवल देखिए, ये लेवल भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, ऑडियो अच्छा है। इसके अंदर 2 कुत्ते आते हैं, उनको साला अपने को मारना रहता है। कुत्ते इंसान की बॉडी के साथ कुत्ते आते थे, और यहाँ से आप अगर आप जा रहे हो तो बच के जाना पड़ता था क्योंकि इसके ऊपर चिड़िया बिड़िया भी रहती थी कुछ तो, जो अपने को ठोकती रहती थी, और अगर आप नीचे गिर गए तो ऑब्वियसली आप मर जाओगे। ऐसा ही हुआ है अभी। और ये टूटने वाला फल्ला है, इसके ऊपर से चलते चलते आपको फटाफट आगे जाना पड़ता है क्योंकि सीन हो जाता है। और ये होती है मोस्टली सबसे गेम की सबसे लास्ट लेवल। इसके अंदर देखिए ये वापस से ग्रीन स्लाइम कलर का कुछ तो है, इसके अंदर अगर आप गिर जाते हो इसके अंदर तो फिर गेम ख़त्म हो जाता है वहीं पे। ये लेवल जितनी आसान लगती है उतनी एक्चुअली ये है नहीं, क्योंकि इस लेवल में बहुत सारी जालियां हैं, उसके थ्रू आपको देखना पड़ता है, जजमेंट लेना पड़ता है कि आप कहाँ जाओगे। ये जो ग्रीन पानी है वो हर जगह से रिस रहा है, इधर उधर से बाहर निकल रहा है, बॉम्ब फेंकने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग भी यहाँ पर पहुँच गए। ये हवा छोड़ने वाली मशीन है, इसके ऊपर जाओगे तो मस्त हवा का झोंका आएगा। कभी कभी मैं इसके ऊपर रहता था और ज़्यादा टाइम बिताता था, बस देखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये भी होता था कभी कभी तो बहुत काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता था, अगर लाइव्स बची हुई है तो फिर अच्छा लगता था। ये काफ़ी हार्ड लेवल हुआ करती थी क्योंकि दिख रहा एक तो ठीक से नहीं है, और बस चलते जाना। ये था हमारा आखिरी वाला बंदा जिसको हमें हराना था, और इसको हराने के बाद ये गेम शायद से ख़त्म हो जाता था क्योंकि इस लेवल के आगे मैं कभी गया नहीं हूँ, स्टोरी ख़त्म। इस ये अपने को बहुत मारता था, मतलब मेरी हेल्थ देखिए ऑलमोस्ट 30-35 पहुँच गई है। लेकिन अगर आप एक बार नीचे बैठ जाओगे और उसको धपाधप सेम वो कंट्रोल से मारते रहोगे, बस आपको छोड़ना नहीं है, आपको टाइमिंग मेंटेन रखना है। अगर ये करते रहोगे तो वो मर जाएगा और अपना गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर ख़त्म सब कुछ।